पेंडिंग फ्लेक्स करना था, कर लीजिएगा। और मैच की शुरुआत हो चुकी है। और इस मैच के जो मिड रेफरी अनुभवी मिस्टर संजय हेम्ब्रम और उनके असिस्टेंट रेफरी मिस्टर राजवीर टुडू एंड मिस्टर हंसदा जी, और मंच वाले छोर से आक्रमण कर रही है एलएफसी कठारा, और वहीं रोड वाले छोर से आक्रमण कर रही है टीम सुभाष नगर की। रूम खुला होगा, कुर्सियां रख लीजिए। अपना चैनल नौ महीने आराम से जा, फ्लाइट डाल बढ़िया, ठीक है ठीक। आप सबके बीच में जिसमें एलएफसी कथारा नाम मानवी कुमारी महिला समिति की दोनों मुकाबला चल रहा है, सीमित समय है, अगर बढ़त बना ली जाए तो अच्छा मौका था, यहाँ भूल में तब्दील कर सकते थे, लेकिन पदों का खाला
लाइट मैन जसवंत जी, अगर आप उपस्थित हैं मंच पर आकर संपर्क करें। 27 डिग्री के तापमान पर खेला जा रहा सुभाष नगर बनाम कथारा का यह मुकाबला, और वहीं इस प्रतियोगिता का आज समापन फाइनल मुकाबला इसी मैदान पर आप देख सकेंगे दोपहर। और इसके बाद का जो मुकाबला होगा वॉर्ड इज वन संडे बाजार, और मेहमान टीम होगी मां महारानी ब्राइट सुंदा धनबाद। ये अच्छा मौका है, यहाँ दाहिने छोर से गेंद लेकर बढ़ते हुए चिप किया है, बहुत ही शानदार हेडिंग मगर दिशा से भटके। फिलहाल बराबरी का मैच चल रहा है इस वक्त, फीफा के अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत खेला जा रहा दर्को मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता, विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है, विश्व में सबसे ज्यादा खेले जाने वाला खेल फुटबॉल आज बिरमो की धरती पर इस वक्त चलता हुआ, जहां भारत टॉप 100 में अपना स्थान बनाए हुए है। यही कोशिश इन खिलाड़ियों की भी है कि अच्छा प्रदर्शन कर आगे तक का रास्ता सफल तय करें। मेरे साथी कमेंटेटर देव कुमार जी आगे का हाल बताएंगे। शानदार मैच चलता हुआ यहाँ पर, प्रयास जारी है अभी तक, दोनों टीम लगातार प्रयास करते हुए पहला क्वार्टर फाइनल LFC कप कथारा बनाम मानवी कुमारी महिला समिति गेंद लेकर आगे बढ़ते हुए पास दिया है, कोशिश की और एक खतरा हो सकता था और ये शानदार बचा गोलकी का पहला प्रहार, गोल पर टकराई उसके बाद फिर मौका मिला गोल करने के प्रयास, उतना ही अच्छा सुंदर ढंग से बचा किया गोलकी ने। और फिर से खतरा हो सकता था लेकिन छका नहीं पाए गोलकी को, उनके स्ट्राइकर मानवी कुमारी महिला समिति की टीम। इधर 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 बंद कर मैच का आनंद ले। बहुत दूर से प्रयास गोलकीपर के दास्ताने में मैच की शुरुआत हो चुकी है। मैं पुनः एक बार फिर गुजारिश करूंगा अगले मैच के लिए गॉड इज वन और धनबाद। आजा
दूसरे ही प्रयास किया गया, पास दी गई, छोटी छोटी पास लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं गोल पोस्ट की ओर। बैसवा टप्पू मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट क्वार्टर का पहला मैच यहां पर एलएफसी क्लब कथारा वर्सेस माननीय कुमारी महिला समिति के बीच खेली जा रही है, जिसके रेफरी है लीड रेफरी संजय ब्रह्म। रेफरी का इशारा पीछे बजी यहां पर, वहीं उनका सहयोग दे रहे हैं राजवीर टुंडू निर्मल हंसदा। अभी तक स्थिति बराबरी पर, प्रयास जारी। महिला समिति पक्ष में हल्के से पुश करके आगे बढ़ते हुए छटाया वहां पर लेकर आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन अवसर खराब। और ये शानदार पास, और ये दो बार चूका, और फिर से प्रयास किया गया, लेकिन गोल किक है सेव कर लिया इस गोल को। एक शानदार मौका मिला था एलएफसी क्लब कतारा को, मतलब कोई भी लगते निकल नहीं जा रहा था, अच्छी पास मिली थी अपने टीम के खिलाड़ी के। अरे बाबू आगे नहीं आना, अब इस मैच के तुरंत बाद दूसरा क्वार्टर फाइनल गोडी जवान संडे बाजार वर्षा के रूप में। डिफेंड ने क्लियर किया उसके अंदर, शानदार मौका मिला था लेकिन बना नहीं पाए, इसे गोल के रूप में तब्दील नहीं कर पाए। खेल आगे बढ़ते हुए माननीय कुमारी महिला समिति के बीच चलता हुआ यह मैच, क्वार्टर फाइनल का पहला मैच। छोटी छोटी पास लेकर आगे बढ़ता हुआ एलएफसी क्लब कथारा। पास अच्छी मिली थी, दोनों टीम प्रयासरत,
चूड़िया थोड़ा प्लेन रहता ना तब मजा आता है। चूड़िया थोड़ा प्लेन रहता ना, अभी नया नया है ना, खास खास देखो मिलता है। लंबी पास इस मैच के तुरंत बाद रॉडी जवान संडे बाजार जो रहेगा। और यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूट किया गया है माननीय कुमारी महिला समिति की टीम ने। रेफरी का भी बजाया है छटाने के पूरा प्रयास किया जाता है एलएफसी कतारा में, लेकिन वही मजबूत टीम मानवी कुमारी महिला समिति टीम पास दिया है। देखना है खतरा हो सकता है यहाँ पर, कोशिश जारी है भी और डिफेंडर ने क्लियर किया उसे। फिर से प्रयास, शानदार बचा गोलकीपर का, जा सिकंदर दे दिया साला अपने का दे देता हाथ से, लिहाजा किक मिला है यहाँ डी बॉक्स एरिया के सामने। सुभाष मंदर देखिए क्या होता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, कम से कम एक गोल किया जाए ताकि इस टूर्नामेंट में बकार रहे। कोशिश जारी और ये गई और ये डिफेंडर ने डिफेंड करने की कोशिश की और पास ले अंदर आ रहे हैं। आएगा